कल हमने रिविजन क्लास में देखा था कि हमारी पहली लैंग्वेज जो है वो HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा जी, हमने कल ये भी सुना था कि HTML की मदद से आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे एक घर बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो ईंटों की मदद से बनता है, विदाउट एनी स्टाइलिंग, मीन्स के सिर्फ दीवारें खड़ी हो गई हैं ये सारी चीज़ें। तो उसी तरह वेबसाइट की दीवारें जो खड़ी की जाती हैं वो HTML की मदद से की जाती हैं। तो HTML सबसे फर्स्ट लैंग्वेज जिसकी मदद से वेबसाइट पर काम स्टार्ट किया जाता है। अगर HTML किसी को नहीं आती तो वो फिर वेबसाइट नहीं बना सकता। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML की सिर्फ हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग की इससे थोड़ी बहुत बेस बन जाएगी, उसके बाद फिर हम साथ साथ प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल आज भी होना है, HTML पे हम आज भी काम करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत थ्योरी हो जाए ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी कि आप लोगों को समझ जल्दी लग जाएगी। ओके जी, HTML क्या है? HTML इज़ दी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। के वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव, मीन्स के केस सेंसिटिव, अगर आप लोग कहीं पर H लिख रहे हैं और किसी जगह आप H लिख रहे हैं, मीन्स के H आप लोअर केस में लिख रहे हैं या फिर अपर केस में लिख रहे हैं, तो ये सेम है, ठीक हो गया जी। तो HTML केस सेंसिटिव नहीं है, मीन्स के अगर आप H1 लिख रहे हैं और आप H को कैपिटल करके साथ में 1 लिख रहे हैं तो ये सेम है, HTML इसको करेक्ट ही कहेगा। तो HTML केस सेंसिटिव नहीं है आपका। व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू एनोटेट अ डॉक्यूमेंट। दीज लैंग्वेजेस आर रीडेबल बाय ह्यूमंस, विच मीन्स डैट दे आर यूजली रिटन यूजिंग स्टैंडर्ड वर्ड्स इंस्टेड ऑफ टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी। मार्कअप लैंग्वेजेस डिफाइन द स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट सो डैट कंप्यूटर नोज हाउ यू वांट डैट डॉक्यूमेंट टू अपीयर। अब ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसे लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं जिसकी हमें समझ ही नहीं आती है, लेकिन कंप्यूटर उसको समझ जाता है क्योंकि प्रोग्राम हम करते हैं। लेकिन HTML ये है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, हम कोड को देख कर ही समझ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और इस पर क्या होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग वर्ड पे काम करते रहे हैं, आप लोगों ने बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, तो उसमें हेडिंग्स होती हैं, ठीक हो गया। आप HTML की मदद से पूरी की पूरी बुक भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बुक लिखी जाए तो उस बुक में भी हेडिंग्स होंगी, तो HTML में आपके पास 6 हेडिंग्स आती हैं, टोटल 6 हेडिंग्स हैं। लार्जेस्ट हेडिंग जो है वो है H1 और सबसे स्मॉलेस्ट लैंग्वेज हेडिंग जो है वो है H6 है, मीन्स के H1, देन H2, H3, H4, H5 एंड देन H6, ये आपकी 6 हेडिंग्स हो जाती हैं, लार्जेस्ट हेडिंग और ये आपकी स्मॉलेस्ट हेडिंग। अब इस कोड को देखकर ही हमें पता लग जाता है कि इसमें H1 लार्जेस्ट हेडिंग यूज़ हुई है और H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग यूज़ हुई है। पैराग्राफ के लिए हम बी रेफर करते हैं, बोल्ड के लिए हम बी करते हैं, इटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू। तो इस कोड को, मीन्स के बेसिकली इस तरह कोड किया जाता है, तो इस कोड को पढ़कर हमें खुद समझ लग जाती है कि क्या काम हो रहा है। तो बेसिकली ये मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो उसको देखकर पढ़कर ह्यूमंस भी समझ जाते हैं, रीडेबल होता है, और प्रोग्रामिंग जो बेसिकली कंप्यूटर ने तो समझना ही समझना है। ओके जी, द हिस्ट्री ऑफ HTML। HTML फर्स्ट टाइम HTML वाज क्रिएटेड बाय, कब हुआ ये? 1991 में जब, और रिलीज हुआ 1993 में। देन HTML 2.0 आई,
थ्री आई, फोर आई, और इस टाइम जो है लेटेस्ट जो HTML है वह है HTML5। एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस बुक HTML5 इज़ द फिफ्थ एंड करंट मेजर वर्जन ऑफ द HTML स्टैंडर्ड, दैट इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C रिकमेंडेशन। तो HTML5 इस टाइम सबसे लेटेस्ट है, जो कि फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुआ था पब्लिक के लिए 22 जनवरी 2008 को। जी तो बेसिकली हिस्ट्री वगैरह पे नहीं हम देखेंगे, ये एक बुक है और बुक लिखी जा रही थी, तो उसमें बेसिकली बुक में तो ये सारी चीज़ें आती हैं, पढ़ने वाले पढ़ लेंगे खुद से, आप लोग को भी मिल जाएगी, आप लोग भी पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेना अच्छी बात भी है, लेकिन हम इस पर फ़िलहाल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे ताकि हमारा कोर्स कंटेंट भी एज सुन एज़ पॉसिबल कवर हो और आप लोग को भी ईजिली समझ लगे, क्योंकि थ्योरी तो हमने पढ़नी नहीं इतनी, तो वक्त के साथ साथ ही पढ़ेंगे, बाकी तो प्रैक्टिकल ही है। अच्छा जी, HTML5 सीखना ज़रूरी क्यों है? इट इज़ एसेंशियल टू लर्न HTML5 इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट और इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट। यू कॉन्ट बिल्ड वन इफ़ यू डोंट नो HTML बिकॉज इट्स वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स इन लर्निंग अदर लैंग्वेजेस यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। अगर आप लोग को HTML नहीं आती है तो फिर आप लोग वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। HTML5 हैज़ एडेड सपोर्ट फॉर मैनी न्यू फीचर्स डेट विल मेक इट पॉसिबल टू डू मोर विद HTML विदाउट रिलाइंग ऑन नॉन स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज। अच्छा, ये किसी और टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं करता है, ठीक हो गया जी। HTML खुद से ही न्यू फीचर्स ऐड करता है और वो हर ब्राउज़र में सपोर्टेड है। तो HTML 1.2 में क्या था, अभी हमने पढ़ा था हेडिंग्स जो कि H1 से H6, वो HTML के शुरू से ही है, पैराग्राफ भी शुरू से है, एड्रेस, एंकर, लिस्ट, इमेज, ये सारी चीज़ें पहले से हैं। लेकिन HTML 1.2 में ना ही टेबल था, ना ही स्टाइलिंग कर सकते थे, ना ही जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर सकते थे, ऑडियो वीडियो और कैनवस थे ही नहीं। उसके बाद 4.01 में आपके पास जावास्क्रिप्ट तक आगे चीज़ें कि आप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 4.01 में भी ऑडियो वीडियो और कैनवस नहीं थे। आप लोग अपनी वेबसाइट में ऑडियो नहीं यूज़ कर सकते थे, आप लोग अपनी वेबसाइट में वीडियो नहीं यूज़ कर सकते थे, और ना ही आप लोग कैनवस यूज़ कर सकते थे, जिस तरह एनिमेशंस होगी, गेम्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग HTML 4.01 में नहीं कर सकते थे। लेकिन अब 5 में है, HTML 5 में हम ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो भी करते हैं और कैनवस भी यूज़ कर सकते हैं। कैनवा वेबसाइट आप लोगों ने सुना होगा, तो अगर HTML 5 ना होती तो वो कैनवा वेबसाइट नहीं होती, तो HTML 5 की वजह से कैनवस वेबसाइट बनाई गई है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर इसका वेबसाइट की, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपकी वेबसाइट में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इवन के अगर हम आ जाएँ आपके पास google.com, अच्छा जी ये आपका google.com, ये आपका हेडर कहलाता है, ये आपका हेडर, ये आपका मेन एलिमेंट जिसमें आपका मेन कंटेंट होता है, और लास्ट में आपका फुटर होता है। मैं आपको एक और वेबसाइट दिखा देता हूँ, chuka.pk, getquizzer.com, ओके जी, क्विजर अ गेम बेस्ड लर्निंग, ठीक हो गया जी। तो ये आपकी वेबसाइट है, इसमें देखें हेडर, हेडर में क्या होता है, आप लोग की नेविगेशन लिंक्स आते हैं, मीन्स कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो सकते हैं, तो ये आपका हेडर है। इस हेडर में आपका ये लोगो आ गया, ये आपके कुछ नेविगेशन लिंक्स वगैरह आ गए, ये आपकी वेबसाइट का मेन कंटेंट है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका मेन कंटेंट में आएगा, ये सारी चीज़ें भी मेन कंटेंट में, ये सब भी, और लास्ट में देखें ये आपका फुटर आता है जिसमें अक्सर नेविगेशन लिंक्स वगैरह भी आ जाते हैं, वरना ये कॉपीराइट का कि कॉपीराइट 2022 ऑल राइट्स रिजर्व, तो ये चीज़ें लिखी भी आती हैं लाजमी। तो बेसिकली आपका फुटर, आपका हेडर, आपका मेन कंटेंट और ये आपका फुटर। तो सेम उस तरह ही आपके पास ये बॉडी, जो बॉडी में आपको चीज़ नज़र आती है, ये आपका हेडर हो जाता है, उसके बाद आपका ये मेन कंटेंट, आपका मेन कंटेंट आएगा,
और ये आपका फुटर जिसमें फुटर का कंटेंट आएगा। हेडर में नेविगेशन लिंक्स वगैरह ही होते हैं, उसके बाद आपका मेन कंटेंट आ जाता है और फिर आपका फुटर आ जाता है जिसमें ऑल डेट रिजर्व वगैरह या फिर नेविगेशन लिंक्स वगैरह, गूगल मैप वगैरह, कुछ मज़ीद अबाउट या इंट्रो वगैरह के बारे में बता दिया जाता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में, कंपनी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपकी फुटर में आ जाती हैं। ओके जी, टैग्स एंड एलिमेंट्स। बेसिकली आपका ये जो है फुटर, ये आपका एक टैग है, ये आपका एक कंटेंट है। योर फुटर कंटेंट जो कि कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा वो कंटेंट कहलाएगा, और ये भी मज़ीद आपका एक टैग ही है, लेकिन ये क्लोजिंग टैग है और ये आपका ओपनिंग टैग है, और ये कंप्लीट मिलकर एक एलिमेंट बन जाता है ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक। तो मज़ीद इसकी डिटेल्स में आ जाते हैं। व्हाट आर एचटीएमएल टैग्स? टैग्स आर यूज टू मार्कअप द स्टार्ट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट एंड दे आर यूजली इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स। तो टैग्स जो हैं बेसिकली आपके एचटीएमएल एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं और एंगल ब्रैकेट से ही इनक्लोज्ड होते हैं। HTML tags are element names surrounded by angle brackets. An example of a tag is H1. तो ये आपका एक H1 का टैग है जो कि एंगल ब्रैकेट्स लेस देन साइन देन H1 आपका आएगा और देन ग्रेटर देन साइन। तो आपका ये एक टैग है और इसको ओपनिंग टैग कहा जाता है। मोस्ट टैग्स मस्ट बी ओपन। आपके मोस्टली टैग्स जो हैं वो ओपन होते हैं H1 और क्लोज्ड होते हैं इस तरह, सेम ओपन की तरह ही होते हैं, लेकिन एलिमेंट नेम से या टैग नेम से सिर्फ और सिर्फ पहले फॉरवर्ड स्लैश आ जाती है इन ऑर्डर टू फंक्शन। फॉर एग्जांपल H1 ये आपका ओपन टैग, देन आपका उस टैग का कंटेंट, उस एलिमेंट का कंटेंट, और फिर ये आपका क्लोजिंग टैग बन जाता है सेम एज इट इज़ ओपनिंग टैग की तरह, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश होती है टैग नेम से पहले। अब HTML एलिमेंट क्या है? एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। इसमें आपका ओपनिंग टैग, ये आपका ओपनिंग टैग टैग नेम, ये आपका कंटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुछ भी आपने लिखना है, और फिर आपका दोबारा से क्लोजिंग टैग आएगा सेम एज इट इज़ ओपनिंग टैग, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश आएगी साथ में। तो बेसिकली ये आपका कंप्लीट एक एलिमेंट बन जाता है ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक। ओपनिंग टैग को स्टार्टिंग टैग भी कहा जाता है और क्लोजिंग टैग को एंड टैग भी कहा जाता है। अगर तो कोई आपको ओपन टैग कह रहा है तो इसका मतलब फिर वो एंड वाला क्लोज टैग बनेगा, अगर कोई स्टार टैग कह रहा है तो फिर आपका ये एंड टैग बनेगा। द HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग। आपका HTML एलिमेंट सब कुछ है, कहाँ से स्टार टैग से लेकर एंड टैग तक, मींस के आपका स्टार टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग ये मिलकर एक आपका एलिमेंट बनता है। उसी तरह पी H1 का हमने देखा था कि लार्जेस्ट हेडिंग है और P से आप पैराग्राफ डिफाइन करते हैं, तो P आपका यहाँ से स्टार्ट होगा माय फर्स्ट पैराग्राफ और ये आपका क्लोजिंग टैग, तो ये आपका एक कंप्लीट एलिमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर देखें मज़ीद आपका ओपनिंग टैग, कंटेंट और ये आपका क्लोजिंग टैग, और कंप्लीट ये आपका एलिमेंट बन जाता है। ओपनिंग टैग को ही स्टार्टिंग टैग भी कहा जाता है और क्लोजिंग टैग को ही एंडिंग टैग कहा जाता है। जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें अब आप लोग, एनीवन। जी क्लियर है? ऑलराइट जी। उसके बाद HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो ये आपका कंप्लीट एक एलिमेंट बन गया। द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज कॉल्ड द ओपनिंग टैग और स्टार्टिंग टैग, द सेकंड टैग इज कॉल्ड द क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग।
The closing tag is written like the opening tag, but with the forward slash inserted before the tag name. The characters in the brackets indicate the tag's purpose. For example, in the tags above, the P stands for paragraph. Charger दीजिएगा. Charger. Okay जी. The characters in the bracket indicate the tag's purpose. जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब ये जो है ना, ये तो सिर्फ आपका मैंने टैग नेम बता दिया था. ये आपका कौन सा टैग बना, ओपन या क्लोज? ओपन बन गया. सेम एज इट इज आपने लिखना है, बस इस नेम से पहले आपने फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है. तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्लोजिंग टैग. और इस कंप्लीट को मींस के अगर आप यहाँ पे लिखते हैं माय फर्स्ट हेडिंग, तो ये आपका कंप्लीट जो है क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा जी. बहुत बेहतर. HTML elements are the building blocks of HTML pages. HTML elements are represented by tags. Browsers do not display the HTML tags. Browsers do not display the HTML tags, but use them to render the content of the page. ये कुछ चीज़ें ना अपने बस mind में आप लोग बिठा लें कि element क्या काम करता है और क्या चीज़ें हैं. बाकी वक्त के साथ साथ तो पता लग ही जाना है. तो कुछ चीज़ें आप लोगों की थियोरिटिकल पूरी हो जाएं, उसके बाद फिर हम इसके बाद साथ ही प्रैक्टिकल में आ जाएंगे. अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज. एक वेब पेज आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML. ठीक हो गया जी. सबसे पहले आपकी HTML की जितनी भी फाइल्स होंगी, सब फर्स्ट लाइन में आपका ये वाला कोड होगा, लेस देन एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक टाइप. ये आपका अपर केस में लिखा जाएगा, स्पेस देके HTML, और ये आपका लोअर केस में आ जाएगा. देन आपका ग्रेटर देन साइन या फिर राइट एंगल ब्रैकेट. तो HTML की फाइल, इस कोड की मदद से ब्राउज़र को पता लगता है कि ये डॉक HTML 5 की फाइल है. ठीक हो गया. हमने बताना भी तो है ना कि HTML 5 हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपके पास ये लाइन होगी हर फाइल में मौजूद. देन आपका HTML यहाँ से ओपन होता है, और लास्ट में आपका HTML का कंटेंट जितना भी होगा वो सारा इस HTML एलिमेंट के अंदर होगा. डॉक्यूमेंट टाइप है, ये बताता है, ये लाइन रेफर करती है कि डॉक्यूमेंट की टाइप जो है वो HTML 5 है. ओके जी. उसके बाद HTML आप एलिमेंट लिखेंगे, HTML को ओपन करेंगे, और आखिरी लाइन में जाके आप उसको क्लोज कर देंगे. इसका मतलब कि जितना भी कोड होगा वो सारा का सारा HTML के अंदर रहेगा. उसके बाद HTML आपका हेड एंड बॉडी, HTML के फौरन बाद दो एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर, हेड और बॉडी. आपका जितना भी कंटेंट जो आपको नज़र आता है, वो जो आप बॉडी में लिखते हैं वो आपको नज़र आएगा ब्राउज़र में. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जितना भी कोड लिखा हुआ है ये सारा का सारा बॉडी एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है. तो ये आपका बॉडी में आप जो कुछ लिखेंगे वो आपको नज़र आएगा. तो ये देखें, कोड हमने देखे इतना लिखा है, ये सारा आउटपुट में आपको नज़र क्या आएगा, सिर्फ ये, दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ. तो ये आउटपुट में ये चीज़ नज़र क्यों आ रही है, क्योंकि हमने बॉडी में ये लिखा हुआ है, बॉडी में H1 और ये आपका P एलिमेंट. जी क्लियर है इतना. जी उसके बाद कोड को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं मज़ीद. डॉक टाइप HTML, दिस डिक्लेयर्स द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप विच इज़ HTML 5. HTML, दिस एलिमेंट इनक्लोजेज एवरीथिंग इनसाइड ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. इट इंक्लूड्स टैग्स, एलिमेंट्स, स्टाइल शीट्स, स्क्रिप्ट्स, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया एंड अ लॉट मोर. दिस एलिमेंट हेड, दिस एलिमेंट इंक्लोजेज द मेटा डेटा ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द मेन कंटेंट ऑफ अ वेब पेज. दिस कुड इंक्लूड स्टाइल शीट्स, स्क्रिप्ट्स, टाइटल, मेटा टैग्स एंड अ लॉट मोर. बेसिकली हेड एलिमेंट में ये जो ऊपर आपका
हेड एलिमेंट लिखा हुआ है, इसमें मेटा डाटा ऐड किया जाता है। मेटा डाटा स्टैंड्स फॉर मशीन रीडेबल डाटा, मेटा डाटा कहा जाता है मशीन रीडेबल डाटा। तो इसको हम मज़ीद देखेंगे जब हम एचटीएमएल को मज़ीद पढ़ेंगे। तो और टाइटल एलिमेंट, दिस एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ वेब पेज, इट अपेयर्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ अ ब्राउज़र। आप लोग यहाँ पर देखें वेबसाइट में, इस ब्राउज़र के टैब में ये लिखा हुआ है क्विज़र, अ गेम बेस्ड लर्निंग क्विज़ एंड सर्विस प्लेटफॉर्म। एजुका, अ गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विज़ एंड सर्विस। इसमें सिर्फ गूगल, इसमें मीट और इसमें एचटीएमएल। फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक लिखा हुआ आ जाएगा, दराज में जाएंगे तो दराज। तो ये जो चीज़ लिखी हुई आपको नज़र आती है वो हम टाइटल एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, बाकी अभी हम कोड करेंगे तो समय लग जाएगी। बॉडी में क्या होता है, दिस एलिमेंट इनक्लोजेज एलिमेंट्स लाइक एच वन, पी, इमेज एंड अ लोड मोर। एच वन से क्या होता है, लार्जेस्ट हेडिंग आपकी, आपने अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ्स यूज़ करने हैं तो पैराग्राफ के लिए पी एलिमेंट, अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में इमेज यूज़ करनी है तो img एलिमेंट। h1 दिस एलिमेंट डिफाइंस द लार्जेस्ट हेडिंग, p दिस एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। तो बेसिकली ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, html, html के अंदर हेड और हेड के अंदर टाइटल, दिस इज़ योर टाइटल। आप लोग यहाँ पर जो कंटेंट लिखेंगे इस टाइटल एलिमेंट के अंदर, जो भी आप लोगों ने कंटेंट लिखना है वो आपको यहाँ पर अपर एरिया में नज़र आएगा, ठीक है, उस टैब में। और बॉडी के अंदर h1 लिखेंगे तो ये आपकी लार्जेस्ट हेडिंग होगी, p लिखेंगे तो आपका पैराग्राफ आपको बॉडी में नज़र आएगा आउटपुट में। नेस्टेड html एलिमेंट्स, html कैन बी नेस्टेड, दिस मीन html एलिमेंट कंटेन वन और मोर html एलिमेंट, मीन्स के html एलिमेंट्स के अंदर html एलिमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर यू टू बेटर अंडरस्टैंड इट, लुक एट द एग्जांपल कोड बिलो। p एलिमेंट ओपन हुआ और p एलिमेंट आपका ये क्लोज हो गया, उसके अंदर मज़ीद एक और एलिमेंट आई एलिमेंट और ओपन हुआ और ये आपका आई एलिमेंट क्लोज हो गया, और उस आई एलिमेंट के अंदर हमने लिख दिया दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिकाइज। तो आउटपुट जो आपको चीज़ नज़र आएगी वो ये चीज़ नज़र आएगी, दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिकाइज, मीन्स के कंटेंट कुछ भी लिखते आप उसने होना इटैलिकाइज ही था, मीन्स के इटैलिक होता कोड आपका आउटपुट। नेवर स्किप द एंड टैग, सम एच टी एम एल एलिमेंट्स विल डिस्प्ले करेक्टली इवन इफ़ यू फॉरगेट द एंड टैग, मीन्स कि आपने ओपन टैग तो लिख दिया लेकिन क्लोज नहीं किया, तो इससे क्या होगा, आपका कंटेंट लिखा हुआ तो सही नज़र आएगा वक्ती तौर पर, या फिर समटाइम्स ठीक ही नज़र आता है, लेकिन जब आप लोग कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे हो तो ऐसे इशू आ जाते हैं जिसको आप फिर रिजोल्व भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कभी भी एंड टैग को ना भूलें। एम्प्टी एलिमेंट्स, एम्प्टी एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स दैट डू नॉट हैव एन एलिमेंट कंटेंट। एम्प्टी एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स दैट डू नॉट हैव एन एलिमेंट कंटेंट एंड एन एंड टैग। वालेकुम अस्सलाम। जी आप लोग को अब लिंक मिला है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ओके जी, एम्प्टी एलिमेंट्स आर एलिमेंट दैट डू नॉट हैव एन एलिमेंट कंटेंट एंड एन एंड टैग। द बियर टैग डिफाइंस अ लाइन ब्रेक एंड इज एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग, मीन्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिस तरह हमने पहले शुरू में पढ़ा है कि मोस्ट एलिमेंट्स है कंटेंट, मींस के उसमें कंटेंट हम रख सकते हैं, लेकिन जिन एलिमेंट्स के दरमियान कंटेंट नहीं आता है वो आपके एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे बी आर एलिमेंट आपका ये लाइन को ब्रेक करते हैं, आपका इमेज एलिमेंट img, जिससे img की मदद से आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, तो अब img में कोई कंटेंट तो नहीं आता है तो फिर इसलिए वो एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स को सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी कहा जाता है, ये आप लोग लिख भी लें बेशक याद रहेगा, एम्प्टी एलिमेंट्स इक्वल्स टू सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक
के एम्प्टी एलिमेंट्स को सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी कहा जाता है। जिस तरह ये देखें, ये खुद से ही क्लोज हो रहा है, ओपन हुआ है ये आपका। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपका, ये बी आर ओपन हुआ, ठीक है। और साथ ही ओपनिंग टैग में ही आप अब नेम के बाद अगर फॉरवर्ड स्लैश लगाएं तो ये सेल्फ क्लोज हो जाएगा। अगर आप इससे पहले लगाएं तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग टैग है, लेकिन अगर आप एलिमेंट ओपनिंग एलिमेंट ओपनिंग टैग में ही फॉरवर्ड स्लैश लगा दें एलिमेंट नेम के बाद तो वो सेल्फ क्लोज हो जाता है। मीन्स कि अब ये आपका इसके दरमियान कोई कंटेंट नहीं आएगा। HTML में अगर आप ना भी करें तो ये तब भी काम करेगा, वर्क करेगा। अगर आप लोग रिएक्ट में जब पहुंचेंगे और तब इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो आपको एरर्स आने लग जाएंगे। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है, क्योंकि आप लोगों ने रिएक्ट सीखनी है तो आप लोग पहले से ही इस br एलिमेंट या कोई भी empty एलिमेंट्स उसको वहाँ पर ही क्लोज कर दें। द br टैग डिफाइंस अ लाइन ब्रेक एंड इज एन empty एलिमेंट विदाउट द क्लोजिंग टैग, ये इसकी एग्जांपल है। अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज empty एलिमेंट्स मेटा लिंक img br hr और इनपुट। द बेस्ट प्रैक्टिस इन html एलिमेंट html empty एलिमेंट्स इज टू ऑलवेज पुट अ फॉरवर्ड स्लैश। हम अभी आएंगे इस पे ना। एच आर टैग बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो जब हम कोड करेंगे तो इस पर भी आएंगे। आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट आएगी एलिमेंट्स की कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उसका क्या क्या काम होता है। ओके जी, द बेस्ट प्रैक्टिस इन HTML एम्प्टी एलिमेंट्स टू ऑलवेज पुट अ फॉरवर्ड स्लैश एंड बिफोर द ग्रेटर देन साइन। इन दिस वे दे आर क्लोज्ड एट देयर स्टार्ट टैग्स। These tags are also called self-closing tags. ठीक है, These tags are also called self-closing tags. HTML is not case sensitive. ये हमने पहले ही पढ़ लिया। HTML tags are not case sensitive. P means the same as P. H1 means the same as H1. The HTML standard does not require lower case tags. But W3C recommends lower case in HTML and demands lower case for stricter document types like XHTML. इसको स्किप करें। मींस के W3C भी रिकमेंड करता है कि HTML को लोअर केस में ही लिखो, तो हम खुद भी, क्योंकि जितने भी डेवलपर्स हैं वो आपको लोअर केस में ही लिखा हुआ नज़र आएंगे कि वो लोअर केस में ही लिखते हैं। तो वी विल ऑलवेज यूज़ लोअर केस टैग नेम्स। जी W3C क्या है? W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंडेड 1994 एंड कंट्री लेड बाय टिम बर्नर्स-ली, जिसने HTML को भी दरियाफ्त किया या जिसने HTML लैंग्वेज को क्रिएट किया या बनाया। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में इस चीज़ को देखती है और इसको मैनेज कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो वह भी रिकमेंड करती है कि आप लोग इसको लोअर केस में ही लिखें। चलें जी, क्रिएटिंग फर्स्ट HTML पेज है। अब हम आ चुके हैं उस लेवल पे कि हम एक HTML का पेज क्रिएट करें। वेयर टू राइट एडिट HTML, कि हम HTML को लिखें कहाँ पर, उसको एडिट कहाँ पे करें। अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज ऑल यू नीड टू लर्न HTML। एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो है, अब विंडोज़ में टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? नोटपैड है। और लिनक्स यूज़र जो हैं, Ubuntu वगैरह के, वो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं। और मैक OS में आपके पास टेक्स्ट एडिटर है। जी कुछ कोई फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? जी हमने उस पर आना है, हम उस पर आएंगे अभी। तो बेसिकली बताने का मतलब कि इस टाइम अगर आपके पास, लेट्स सपोज आप इनिशियल लेवल पे ना, आपको तो VS कोड का भी फिलहाल कुछ नहीं पता है, तो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर आपको चाहिए कि आप HTML को लिख सकें। वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। हाउएवर फॉर लर्निंग HTML, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड में विंडोज़, टेक्स्ट एडिट मैक OS में आता है, और टेक्स्ट एडिटर लिनक्स में। फॉलो दी स्टेप्स बिलो टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद नोट पैड टेक्स्ट एडिट।
और टेक्स्ट एडिटर। ओपन नोट पैड ऑन विंडोज़ और टेक्स्ट एडिट ऑन मैक ओएस और टेक्स्ट एडिटर ऑन लिनक्स। राइट सम HTML, सेव द HTML पेज, सेव द फाइल ऑन कंप्यूटर। ओके जी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउज़र। चलें जी, अब हम आ जाते हैं। ओके जी, यहाँ पर चिंग और आपके पास अच्छा जी, अब लेट्स सपोज आप लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे हैं, तो प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट फोल्डर होता है। तो आप क्या करें, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस और यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करें। प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया, लेट्स सपोज प्रोजेक्ट का नेम जो भी है, आप लोग जिस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे हैं, फेसबुक है, मींस के फेसबुक की अगर बात की जाए तो फेसबुक का जो प्रोजेक्ट है वो फिर फेसबुक, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। और उसके अंदर उस वेबसाइट की सारी फाइल्स हैं। तो अगर आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे हैं, लेट्स सपोज आप लोग कह लें क्या नाम दें हम, लेट्स सपोज ऑनलाइन लर्निंग, आपकी वेबसाइट का नेम ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, ये आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आपकी वेबसाइट का नेम ऑनलाइन लर्निंग या फिर मोबाइल ऐप का नेम ऑनलाइन लर्निंग, जो भी है आपका ये एक प्रोजेक्ट है, इसको ओपन करेंगे, ठीक हो। और यहाँ पर एक आप फाइल क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करें न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जिनके पास विंडोज़ 11 है वो तो सेम यही फॉलो करेंगे, बाकी राइट क्लिक करने पर आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ जाता है। वैसे तो यहाँ पर भी आ रहा है, ये न्यू आ रहा है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है, फोल्डर करें तो फोल्डर हो जाता है। अच्छा, और मज़ीद एक और चीज़, जब आप लोग विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, व्यू में शो में जाके फाइल नेम एक्सटेंशन, आपके पास ये चीज़ नहीं नज़र आती है, फ़ाइल नेम एक्सटेंशन नज़र नहीं आती है, कि जिसकी मदद से हमें पता लगता है कि ये फ़ाइल की टाइप क्या है। अगर मैं इसका नेम चेंज कर दूं, लेट्स सपोज अब मैं इसको कह देता हूं इंडेक्स, INDEX, मैं ओके करता हूं, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नेम चेंज हुआ है लेकिन फ़ाइल नेम नहीं, फ़ाइल एक्सटेंशन नहीं। तो बेसिकली ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और इसकी एक्सटेंशन .txt है। HTML के लिए हमारे पास HTML एक्सटेंशन होना ज़रूरी है, index.html। इसको यस करें तो अब देखें, मैंने जैसे ही चेंज किया तो इसका आइकन भी चेंज हो गया है, index.html। अब क्योंकि ये एक वेबसाइट की फ़ाइल है तो इस वजह से इस पर ब्राउज़र आइकन आ गया। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करता हूँ, तो एक ये ब्लैंक चीज़ नज़र आ गई। आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इनिशियल लेवल पे ख़त्म करें और यहाँ पर राइट क्लिक करें, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फाइल नेम आपका हमेशा इंडेक्स होगा, ठीक है, इसको ओपन करें और यहाँ पर कुछ लिखना स्टार्ट करें। तो हमने देखा था कि सबसे पहले आपकी ये फाइल मेन जो, अच्छा आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में ना, अब आपका ये प्रोजेक्ट फोल्डर था ना, ये ऑनलाइन लर्निंग आपका ये प्रोजेक्ट है, इसकी मेन फाइल जो होगी पूरे प्रोजेक्ट फोल्डर में, मींस के इस पूरे प्रोजेक्ट फोल्डर में सेम फाइल तो वैसे भी नहीं हो सकती है उस लेवल पे, मींस के होम रूट पे, तो index.html फाइल का नेम होगा लास्ट में, और इंडेक्स का आई भी हमेशा स्मॉल, मींस के लॉयर केस में ही फाइल नेम भी होगा आपके पास, तो index.html। तो इस पर हम आते हैं, फिलहाल हम इसको देखें, और ये आपका index.txt। तो लाइन नंबर 1 पे आपके पास डॉक टाइप html, सेकंड में आपके पास html और ये आपके पास html। इसको आप क्लोज करें और यहाँ पर अब आपके पास हेड
और हेड के अंदर आपके पास टाइटल टाइटल, इस टाइटल के अंदर आप लिखते हैं होम ऑनलाइन लर्न। जी मैं भी सर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अभी मैं उसको चेंज करूँगा। तो टाइटल देखें, हेड के अंदर आपके पास हेड आपका यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से आपका क्लोज हुआ और उसके अंदर आपका ये टाइटल एलिमेंट। उसके बाद हेड के बाद आपका बॉडी ओपन होगा और बॉडी आपका क्लोज होगा और बॉडी के अंदर आप लोग H1 माई फर्स्ट हेडिंग, और पी में आपके पास पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर ही आपके पास पी, लेट्स सपोज यहाँ पे लिखते हैं वी आर लर्निंग वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, वी आर लर्निंग वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, फुल स्टॉप से पैराग्राफ के सेंटेंस कंप्लीट कर दें। इसको सेव करें आप कंट्रोल एस से, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस से सेव हो जाता है, या फिर फाइल में जाके आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन रखा सेव का, तो आपने सेव कर दिया। इसको बंद करें, अच्छा वो क्लोज नहीं हुआ, ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह खैरा। तो ये क्लोज, ठीक है, ये आपका HTML कंप्लीट हो गया, इस तरह क्लोजिंग टैग भी इसका। इसको आप लोग बंद करें, अच्छा सेव का हमने इसको सेव नहीं किया, तो आप इसको सेव करें और बंद कर दें, तो ये आपका बंद हो जाएगा। इस तरह मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, तो आपने जो कुछ लिखा था वही आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको दोबारा बंद करें, अगर आप इसको ब्राउज़र में देखना चाहते हैं राइट क्लिक ओपन विद, तो यहाँ पर आप चूज़ अनदर ऐप कर सकते हैं, या फिर आपने क्या करना है इसको, क्योंकि HTML है तो आपने index.html इसको यस करें। इसको अब अगर आप ओपन करेंगे तो ये देखें माई फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, वी आर लर्निंग वेब एंड मोबाइल ऐप डिवेलपमेंट, और हमने अब इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करें तो आपको चीज़ वही नज़र आएगी जो हमने लिखी थी। तो यहाँ पर देखें टाइटल में हमने क्या लिखा था, होम ऑनलाइन लर्निंग, और यहाँ पर देखें आपके पास होम ऑनलाइन लर्निंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करें, हमने इसको एडिट भी करना है, ऑनलाइन लर्निंग, और आप इसको कहते हैं वेब एंड मोबाइल ऐप, इसको सेव करें। दोबारा सेव किया, अभी देखें यहाँ पर होम ऑनलाइन लर्निंग ही लिखा आ रहा है। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें ये चेंज हो गया, ये आपका होम वेब एंड मोबाइल ऐप बन गया। तो मीन्स कि आप इसको न्यू फाइल क्रिएट करें और फिर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा सेम, अब ये इस तरह, अभी तो ये थोड़ा सा ही हमने लिखा है, आप इसको ही मज़ीद कह लें कि कोई, ये भी सिर्फ 12 लाइन्स है, आपकी एक फ़ाइल में 12-12 हज़ार लाइन्स का भी कोड होगा, ठीक है। तो नोट पैड पर तो कोड पढ़ना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आपने उसको क्या देखना है, तो चीज़ को आसान बनाया जाता है। और यहाँ पर आपके पास आए, तो अभी हम नोटपैड से कर रहे थे, अब हम आते हैं मज़ीद टेक्स्ट एडिटर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE, IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, के ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें ऑलरेडी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंटीग्रेट हो। तो एडिटिंग HTML कोड कैन बी डन विदाउट एनी स्पेसिफिक टूल्स, इन फैक्ट इफ यू हैव अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर यू आर गुड टू गो। However, just because you can do something doesn't mean it is the best way to do it, and that applies to a web development as well. If you use proper tools for your work, not only will you make things easier for yourself, but you will also step it up on the quality level. तो basically अगर आपको एक चीज़ बहुत professionally आती है और आप कहते हैं कि उसको simple तरीके से किया जाए तो कर लें तो ठीक है, लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो बेसिकली
आप आईटी से के ज़रिए काम करें तो जो काम आप का एक हफ्ते का होता वो कह लें आपका 5 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, चीज़ आपके लिए आसान बहुत हो जाएगी। लेकिन अगर वही चीज़ आप सिंपल तरीके से रहें कि हमने टैक्स एडिटर सिंपल टैक्स एडिटर में करना है और कहीं पे कोई एरर वगैरह भी आ जाए तो आपको खुद भी समझ नहीं लगेगा कि एरर कहाँ पर आया है, और फिर उस चीज़ को समझना, देखना और रिजॉल्व करना भी बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो बजाय उससे प्रोफेशनल बने, लेकिन प्रोफेशनल इस तरह बने कि जो चीज़ हमारा काम आसान कर रही हो उस चीज़ को यूज़ किया जाए। एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये आईडीई है क्या? एन आईडीई इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेट प्रोवाइड्स कंप्रीहेंसिव फैसिलिटीज़ टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एन आईडीई नॉर्मली कंसिस्ट्स ऑफ एटलीस्ट द सोर्स कोड एडिटर, के सोर्स कोड को एडिट किया जा सकता है, बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स को बिल्ड किया जाए, और डीबगर, और उसमें एक डीबगर भी होता है कि आप लोग के कोड में जो इशू वगैरह या एरर हैं उसको वो साथ साथ बता देता है, या डीबग आप कर सकते हैं कि एरर कहाँ पर मौजूद है। इन अ टेक्स्ट एडिटर क्रिएटिंग एचटीएमएल फाइल्स इज़ फ्री, यू डोंट नीड टू डाउनलोड एक्सपेंसिव एप्लीकेशन टू डू सो। लुक एट द लिस्ट ऑफ बिलोज फॉर सम फ्री एप्स यू कुड यूज़ टू क्रिएट एडिट एचटीएमएल फाइल्स। नोटपैड हमने देख लिया, टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड का एक नोटपैड प्लस प्लस वर्जन भी आता है। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड, इस टाइम दुनिया की नंबर वन एप्लीकेशन ये जा रही है, माइक्रोसॉफ्ट की ये ऐप है, एप्लीकेशन ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, विजुअल स्टूडियो कोड। और हम खुद भी इसको यूज़ करते हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स भी इसको ही यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी इसको ही यूज़ करेंगे। उसके अलावा ब्रैकेट्स, आपके पास सबलाइम टेक्स्ट है, एटम है, और इंटेलिज आईडीई ए है। तो विजुअल स्टूडियो कोड हमने करना है, तो विजुअल स्टूडियो कोड के लिए आपके पास है, आप लोग यहाँ पर जाएं और यहाँ पे लिखें विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये आपके पास code.visualstudio.com पहली वेबसाइट, विजुअल स्टूडियो कोड लिख लें, VS कोड लिख लें, तो यही चीज़ आपको सामने नज़र आएगी कि आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड भी जो लिखा गया है वो HTML में ही, HTML, CSS, JavaScript और TypeScript, तो यही सारी चीज़ें हमने भी पढ़नी है इंशाल्लाह। तो आप लोग ये चीज़ सीख लें, आप लोग फिर कुछ भी कर सकते होंगे इंशाल्लाह। तो इस पर आए वेबसाइट पर, डाउनलोड फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक करेंगे तो विंडोज़ जो विंडोज़ होंगे तो उनके लिए विंडोज़, जो मैक ओएस में तो उनके लिए मैक ओएस का आ रहा होगा, जो लिनक्स में उनके लिए लिनक्स का आ रहा होगा। तो इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। इसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वीडियो बनी हुई है, मैं आप लोग से शेयर करूंगा, उसको देख कर फिर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिनको करना आता है ऑलरेडी तो आप लोग पहले से इंस्टॉल कर सकते हैं। बस इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ जी इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ स्टेप्स आती हैं, जिस तरह यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करें और ओपन विद कोड ये आपका आ जाए तो आपका काम बहुत आसान होता है। अक्सर इंस्टॉलेशन के वक्त ये वाला स्टेप छोड़ देते हैं, उनके ये फिर आते नहीं है कि ओपन विद कोड का ऑप्शन है। तो यही चीज़ मेन फोकस देकर उस वो ट्यूटोरियल बनाया गया, वरना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन तो हर बंदे को ही आता है। तो बाकी आपके पास सब HTML बेसिक, ऑल दी HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, डॉक टाइप HTML, दी HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विद HTML एंड एंड्स विद HTML, द विजिबल पार्ट ऑफ दी HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी एंड बॉडी, बॉडी आपका ओपन हो रहा है और ये बॉडी आपका क्लोज, तो ये आपका व्हाट इज डॉक टाइप, ठीक हो गया। डॉक टाइप क्या है, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प्स ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेजेस करेक्टली, इट मस्ट ओनली अपेयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टैग्स, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर द HTML फाइव इज डॉक टाइप HTML। ऑल राइट जी, अब हम आ जाते हैं। अच्छा जी, हमने उस फाइल को नोट पैड पर बनाया, राइट क्लिक करें, ओपन विद, आपके पास नोट पैड, तो नोट पैड पर करें तो ये इस तरह का नज़ारा आ रहा है, ठीक होगा जी। पढ़ना मुश्किल है आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझ नहीं लग रही है। लेट सपोज इस पैराग्राफ को, वी आर लर्निंग वेब एंड मोबाइल ऐप, मैं यहाँ से बी को स्टार्ट करता हूँ और वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और यहाँ पर मैं बी को क्लोज करता हूँ, मैं सेव करता हूँ
अब ये जितना भी कंटेंट है जो बी के अंदर आ गया है, इतना कंटेंट आपको बोल्ड नज़र आएगा। आप लोग इसको रिफ्रेश करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंटेंट है वो आपको बोल्ड नज़र आएगा। रिफ्रेश करें तो ये देखें, वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अच्छा जी, ये आपका और ये चीज़ आपकी इस टाइम इस तरह। मैं सेम अब इसको VS कोड के साथ ओपन करता हूँ। तो आप लोगों ने हमेशा करना क्या है, जो प्रोजेक्ट फोल्डर है आपका, ये प्रोजेक्ट फोल्डर ऑनलाइन लर्निंग, इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें, कहीं पे भी शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड है, मीन्स कि किसी फाइल पर राइट क्लिक नहीं करना, ओपन एरिया में जो आपके पास स्पेस फ्री हो उस पर। ट्रस्ट द ऑथर्स, यस। और ये आपका VS कोड, अब आपका पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में सिर्फ एक फाइल है, मेन फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो वो आपको इस टाइम नज़र आ रही है। आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें, आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है जो हमने लिखा था। अगर आप इसको डार्क मोड में करना चाहें तो आपके पास डार्क मोड में भी ऑप्शन है, ठीक है जी। तो ये आपका डार्क मोड, मुझे ये बता दें आप लोग के डार्क मोड रखा जाएगा लाइट मोड, पढ़ने में आसानी क्या है। ओके, ऑल राइट। अच्छा जी, अब देखें डॉक्यूमेंट का ना फॉर्मेट क्या रहता है प्रॉपरली, ताकि आपका कोड आसान हो जाए, मींस के नेस्टिंग हो जाए उसके अंदर। आपके पास HTML है, HTML के अंदर हेड है, ये उसका चाइल्ड है, फिर हेड का जो चाइल्ड है वो टाइटल है, तो नेस्टिंग प्रॉपरली नज़र आए। अभी हमें कुछ पता नहीं लग रहा है कि कौन सा एलिमेंट किसके अंदर है, सारे एक साइज साथ ही शो हो रहे हैं एक लाइन में। तो आप लोग क्या करें, राइट क्लिक, यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एफ, मीन्स कि आप लोग ऑल्ट शिफ्ट एफ प्रेस करें तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। तो अब कोड को पढ़ना बहुत आसान हो गया है, हमें पता लग रहा है कि ये आपका एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, कंटेंट का कलर और है, एलिमेंट्स का कलर और है, और डॉक टाइप HTML ये चीज़ और है। तो पढ़ना बहुत ही आसान हो गया है। मज़ीद आगे चीज़ें आएंगी, एट्रीब्यूट्स वगैरह आएंगे, वो क्या चीज़ें होती हैं, उनके कलर्स वगैरह चेंज होंगे, तो आप लोग पढ़ना आसान हो जाएगा। इसको भी सेव करें तो इसमें स्पेसिंग जितनी मर्ज़ी आप ऐड कर दें, चलिए यहाँ पर आप हंड्रेड्स ऑफ लाइंस मज़ीद ऐड कर दें, ठीक है, सेव करें। लेकिन इसने तब भी आपको वैसा ही नज़र आना है, ना कि आपके पास कोई 100 लाइंस स्पेस आ जाएगी। तो फॉर्मेट करने से आपकी वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ख़त्म करें, सेव करें, आप लोग रिफ्रेश करें तो आपको क्या नज़र आएगा। आप लोग को कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में कुछ भी नहीं है अब। तो अगर आप H1 लिखें, अच्छा अब यहाँ पर देखें, पहले हम क्या करते थे, H1 इसको क्लोज़ करते थे और फिर ओपन करने के बाद दोबारा से क्लोज़ करते थे, मीन्स के खुद लिखते थे। अब VS कोड ने काम इतना आसान कर दिया है, आप इवन के एंगल ब्रैकेट्स भी ना लिखें, ओपन भी ना करें, क्लोज़ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट का नेम लिखें, H1 लिखें और एंटर कर दें, तो वो कंप्लीट आपको एलिमेंट प्रोवाइड कर देगा पूरा का पूरा, ओपन टैग भी और क्लोजिंग टैग भी। इसके अंदर आप लोग लिख दें हेडिंग 1, या फिर आप लोग लिख दें वी आर लर्निंग वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सेव करें और यहाँ पर रिफ्रेश करें तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। अच्छा, इसमें मज़ीद एक और चीज़ क्या, बार बार आप लोग चेंज कर रहे हैं तो आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए VS कोड ने हमारे लिए काम आसान किया हुआ है। लेफ्ट साइड में देखें, यहाँ पर आपके पास एक्सटेंशंस,
एक्सटेंशंस मौजूद हैं। एक्सटेंशंस में आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है लाइव सर्वर। वैसे तो ये अक्सर VS कोड के साथ ही इंस्टॉल रहता है, अगर इंस्टॉल नहीं होता है तो आप लोग एक्सटेंशन को सर्च करें। इसका ऑथर जो है, डेवलपर जो है, वो रिटविक डे, ठीक है जी। आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, लॉन्च अ डेवलपमेंट लोकल सर्वर विद लाइव रीलोड। इसको इंस्टॉल करें। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस पर ऐसी अनइंस्टॉलर डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल करें। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास क्या आएगा, राइट क्लिक करें, यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एल और ऑल्ट प्लस ओ, ये इसकी शॉर्टकट की। या फिर आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा होगा कि क्लिक टू रन लाइव सर्वर, आप लोग इस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें सेम वही चीज़ है, ये आपकी ये लाइव सर्वर, ये चीज़ और ये चीज़ आपका सेम ही है। बस अब फ़र्क क्या होगा कि लेट्स सपोज मैं दोनों में आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं एक और इसकी कॉपी बनाता हूँ। इसकी कॉपी बनाने के लिए ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ ओपन कर देता हूँ, के पास स्क्रीन मोड। कॉपी बनाने के लिए ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन करें तो उस पूरी लाइन की कॉपी बन जाएगी। और यहाँ पर आप लोग H1 H2 कर दें तो ओपन टैग से भी और क्लोजिंग टैग से भी वो चीज़ चेंज हो जाएगी, मीन्स के जो भी करते हैं। अब आप लोग इसको सेव करें और ब्राउज़र में आए तो ये देखें, हमने लाइव सर्वर जो चलाया है वो रिफ़्रेश किए बगैर ही आपको नज़र आ गया, मीन्स के ऑटो रिफ्रेश हो गया। लेकिन आपके पास ये जो था जिसको आपने लोकली चलाया था index.html की फ़ाइल को, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, आपको हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा तो वह चेंज होगा। तो इसलिए हम ऑटो रीलोड वाला लाइव सर्वर जो हमारे पास है उससे क्या होगा, ऑटो रीलोड हमारे पास फंक्शन मिल जाएगा और वो खुद ही चेंज होता रहता है जी। आपकी हेडिंग्स जो है वो हमेशा बोल्ड होती हैं, आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड है, ठीक है जी। अब इसकी मज़ीद कॉपी बनाएं और H1 आपके पास, ये H3, ये आपका H4, H5 एंड ये आपका H6, सेव इसको करें और यहाँ पे देखें आपके पास H1 से लेकर H6 तक आपकी ये लार्जेस्ट हेडिंग और ये आपकी स्मॉलेस्ट हेडिंग। उसके बाद वी विल बी अ वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर सून, तो सेव करें तो यहाँ पर ही आपके पास वो लिखा हुआ आ गया पैराग्राफ में जी। क्लियर है? ओके जी। अब पैराग्राफ आपने अगर कंप्लीट पैराग्राफ को आप लोगों ने बोल्ड करना है तो इसका जितना भी कंटेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग क्या करें, बी और इसको पेस्ट करें तो वो कंप्लीट बोल्ड हो जाएगा। अब अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो जितना भी, लेट्स सपोज वेब एंड मोबाइल ऐप को सिर्फ करना चाहते हैं, सिर्फ वेब एंड मोबाइल को, तो आप लोग इस चीज़ को बी एलिमेंट के अंदर लें, सेव करें तो वो सिर्फ और सिर्फ वेब एंड मोबाइल। आप लोग डेवलपर को इटैलिक करना चाहते हैं तो आई करें और डेवलपर यहाँ पर उस डेवलपर टेक्स्ट को आई एलिमेंट के अंदर लें, सेव करें तो ये देखें डेवलपर आपका ये इटैलिकाइज हो गया। आप हुई विल इस पूरे, या सिर्फ विल को, या विल बी, चलिए विल को सिर्फ करते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू आपका एलिमेंट और ये आपका विल, तो ये देखिए वी विल बी या वेब एंड मोबाइल ऐप जी। अगर दोनों को करना हो तो किस कॉन्टेक्स्ट को आप करना चाहती हैं जी?
इसको और इसको सेलेक्ट करना हो। जी, मीन्स के एक साथ दोनों जो हो रहे हैं जी, उसके लिए शॉर्टकट की नहीं है, एक्सटेंशन है चेंज जो होती है, एक्सटेंशन आपके पास ऑटो रीनेम टैग के नाम से है। इसको आप ख़त्म करें, इंस्टॉल्ड है ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। तो आप लोग भी ये इंस्टॉल कर लें, इससे क्या होगा, अगर आप लोग ओपन टैग को चेंज करते हैं तो क्लोजिंग टैग भी ऑटोमेटिकली चेंज होता है, या अगर क्लोजिंग टैग को करते हैं तो ऑटो ओपनिंग टैग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। नहीं वैसे तो कोई नहीं, वो फिर यह है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप इस दोनों को एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आप कर्सर लेकर आएंगी, ऑल्ट के साथ आपके दो कर्सर इस तरह आ जाएंगे, आप लोग इसको सेलेक्ट करें, टू लिखें तो दोनों, तो खैर ये काम लंबा हो जाता है, वो एक्सटेंशन वाला काम आसान है। अच्छा जी, अगर आपने एक साथ मींस के एक ही कंटेंट को बोल्ड भी करना है और इटैलिक भी करना है, तो जिस तरतीब से आपने उसको ओपन किया है, जो पहले ओपन होगा वो लास्ट में क्लोज़ होगा, और जो बाद में ओपन होगा वो उससे पहले क्लोज़ होगा। मींस के अब अगर यहाँ पर ही आप आई भी लिखें तो पहले बी ओपन हुआ, देन बी क्लोज़, लास्ट में बी के फौरन बाद आई ओपन हुआ, तो बी से पहले हमेशा आई वो होगा। उसी तरह अब अगर आप अंडरलाइन भी इसको करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी हो जाएगा, तो इस तरह वो फिर तरतीब बनेगी, जो पहले ओपन होगा वो हमेशा लास्ट में क्लोज़ होगा। जी क्लियर है, सेव करें तो ये देखें, ये आपका वेब एंड मोबाइल। ऑल राइट जी, वो कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मीन्स के अगर आप इटैलिक को पहले लिखेंगे, बी से भी पहले इटैलिक लिख दें और बी के बाद आप उसको क्लोज़ करें, और फिर यहाँ से आप इस आई को ख़त्म करेंगे, तो आपकी वही तरतीब बन जाएगी, आई पहले, आई लास्ट में, देन बी, और आई से पहले बी, यू आई बी के बाद है, और बी से पहले यू। सेव करें तो सेम इफेक्ट ही रहेगा। जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं एनीवन। ओके जी, एट्रीब्यूट्स, दी एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स आर यूज टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन टू एन एच टी एम एल एलिमेंट। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, इस एच टी एम एल एलिमेंट को मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एट्रीब्यूट्स यूज क्या रहते हैं। एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स ओनली अपेयर एट स्टार्ट टैग, हमेशा ओपनिंग टैग में ही एट्रीब्यूट्स को हम लिखते हैं। इट विल नेवर बी ऑन एंड टैग्स। ऑल एच टी एम एल एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, के जितने भी एच टी एम एल एलिमेंट्स हैं सब के सब एट्रीब्यूट्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। एच टी एम एल एलिमेंट्स कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एक एच टी एम एल एलिमेंट्स मल्टीपल एट्रीब्यूट्स रख सकता है। एच टी एम एल एट्रीब्यूट यूजली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स, लाइक नेम इक्वल टू वैल्यू, मीन्स के आपका नेम एट्रीब्यूट का नेम आएगा, इक्वल साइन, डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क, ओपन और क्लोज होगा, और उसके दरमियान में आपके पास वैल्यू आएगी उस एट्रीब्यूट की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर H2 या फिर P को लिखें, और अच्छा डमी डाटा अगर यूज़ करना हो, बार बार आप क्या लिखेंगे आपको खुद भी नहीं पता, सिर्फ टेस्टिंग के लिए अगर आप लोग डमी डाटा यूज़ करना चाहते हैं तो VS कोड में ही है, आप लोग लोरेम लिखते हैं तो आपको डमी डाटा मिल जाता है, ठीक है। ये पैराग्राफ इसकी ही एक कॉपी बना लें, सेव करें, और अपनी वेबसाइट में है तो ये देखें, ये सेम चीज़ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दो पैराग्राफ आपके पास आ गए। इस एलिमेंट में मैं कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं एट्रीब्यूट्स यूज़ करूँगा। एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में यूज़ कर सकते हैं जी। जी कुछ कहा,
जी, इससे ज़्यादा डाटा लेना हो तो लेट्स सपोज आप इसको ख़त्म करें, आप लोग लॉरम ही लिखें। अब मल्टीपल प्लाई का साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई आप इसको 20 कर दें तो क्या होगा, जितना डाटा था वो 20 टाइम्स ज़्यादा आएगा आपके पास। टू करेंगी तो 2 टाइम्स ज़्यादा आएगा, 3 करेंगी तो 3 टाइम्स ज़्यादा आ जाएगा। तो ये देखें अभी आपके पास वही डाटा 3 टाइम्स ज़्यादा आ गया। सेव करें तो यहाँ पे देखें और अभी आपके पास मज़ीद डाटा आ गया। जी क्लियर है? अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, तो मैंने एट्रीब्यूट यूज़ करना है और एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में होते हैं। तो यहाँ पर आप आए, नेम के बाद मैं लिखता हूँ टाइटल इक्वल्स, डबल कोटेशन मार्क आ गई। अब यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क का है या सिंगल है ये डिपेंड करता है कि आपने अंदर कंटेंट क्या लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अ टूल टिप, मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैं इस पर कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इस पैराग्राफ पर कर्सर लेकर आऊँगा तो आपको एक मज़ीद ये टूल टिप नज़र आएगा टाइटल, जिसमें लिखा हुआ है कि आई एम अ टूल टिप। अब इस टाइटल एट्रीब्यूट की मदद से ये आपको चीज़ नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा, अब ये आई एम अ टूल टिप लिखा हुआ है, इसमें ये सिंगल कोट है, ठीक है। तो अगर आप बाहर भी सिंगल कोट यूज़ करें और कंटेंट में भी एक सिंगल कोट यूज़ करें तो वो आपको इस तरह एरर दे देगा। तो इसलिए ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपने अंदर कंटेंट क्या लेना है। अंदर कंटेंट में डबल कोटेशन मार्क है तो फिर बाहर सिंगल कोट आएगी, अगर अंदर सिंगल कोट है तो बाहर आपके पास डबल कोट आएगी। लेट सपोज यहाँ पर डबल कोट है, माई नेम इज़, मैं यहाँ पर उमेर, तो ये फिर आपको इस तरह एरर दे देगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट यूज़ करूँ और यहाँ पर भी सिंगल कोट यूज़ करूँ तो अब ये काम करेगा, और इस पर अब आप क्लिक कर यहाँ पर आए तो आपको वह नज़र भी आ जाएगा। जी क्लियर है? ऑलराइट जी, उसके बाद आपके पास एंकर टैग, आपके पास एक पेज से ज़्यादा पेजेस हों तो एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होने के लिए आपके पास एंकर टैग आ जाता है। तो एंकर टैग यूज़ करने के लिए आपने हेडिंग्स के लिए H1 देख लिया, पैराग्राफ के लिए P एलिमेंट देख लिया, बोल्ड के लिए B एलिमेंट, इटैलिक के लिए I एलिमेंट और अंडरलाइन के लिए U एलिमेंट। अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पर या अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पर जाना है तो आप लोग क्या लिखेंगे, एंकर टैग A टैग। अब A टैग आपके पास यहाँ पर आप लोग लिख दें गो टू गूगल, सेव करें, अपनी वेबसाइट पर आएं और यहाँ पर देखें गो टू गूगल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये कोई लिंक नहीं है और ना ही आप इस पर क्लिक करने से गूगल पे जा रहे हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, एंकर टैग आपका ओपन टैग यहाँ पर, ये माइक किसका ओपन है ये बंद कर लें ज़रा, ओके जी। अगर आपने गूगल पे जाना है तो एंकर टैग आपका जो ये ओपन टैग है यहाँ पर आपको एक और एट्रीब्यूट लिखेंगे एच रेफ इक्वल्स और फिर ये आपके पास डबल कोटेशन मार्क, या आप सिंगल कोटेशन मार्क लिख लें या डबल लिख लें, बात वही कि डिपेंड करता है कि अंदर कंटेंट क्या है। तो गूगल की वेबसाइट जो भी है यहाँ पर गूगल, इसका यूआरएल कॉपी कर लें और एच रेफ में जाके यहाँ पर आप लोग जाके पेस्ट कर दें, सेव करें और HTML में आए अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर देखें आपके पास अब ये लिंक भी बन चुका है। जी
जी पूछिए। जी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, चलिए जब आप हैं तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, अब गो टू गूगल, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट से गूगल की वेबसाइट पर चले जाएंगे, लेकिन यूज़र आपकी वेबसाइट में रहा है और फिर आप उसको किसी और वेबसाइट पर लेके जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप सेम टैब पर ही उसको अपनी दूसरे की वेबसाइट दिखाएं, आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मज़ीद एचरैप में आप लोग मज़ीद एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लें टारगेट, और उसकी वैल्यू आप लोग रख दें अंडरस्कोर ब्लैंक। अब इससे क्या होना है कि आप लोग गूगल की वेबसाइट पर तो जाएंगे लेकिन एक न्यू टैब ओपन होगा, आप लोग इस पर क्लिक करें और ये देखें कि ये न्यू टैब ओपन हुआ और आपकी अपनी वेबसाइट भी वहाँ पर ही मौजूद है। तो बाकी ये लिंक्स वगैरह जो हैं ये आपके मज़ीद आएंगे, अभी बस ये समझाना मकसूद था कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं और आपके हर एलिमेंट, ये तो वैसे एंकर टैग है, स्मैश टैग तो आना ही आना है, डिपेंड करता है कि एट्रीब्यूट किस एलिमेंट के पे आप लोग यूज़ कर रहे हैं और क्या चीज़ उसमें यूज़ करना चाहते हैं। तो मज़ीद आपके पास अब दो तरह के यूआरएल होते हैं, देर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द यूआरएल इन एचडीएफ एट्रीब्यूट। एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, लिंक्स टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट डेट इज़ होस्टेड ऑन अनदर सर्वर, और एक होता है रिलेटिव यूआरएल, लिंक्स टू एन एचटीएमएल पेज, के एक ही एचटीएमएल का पेज या वेबसाइट जो मल्टीपल पेजेस पर हो। इस टाइम तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पेज है ना जो आप लोगों ने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाया है, अगर यही मल्टीपल पेजेस वेबसाइट जिस तरह आपके पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, प्रोडक्ट्स का पेज है, लॉगिन का पेज, रजिस्टर का पेज है, फॉरगेट पासवर्ड का पेज, ऑर्डर का पेज, चेकआउट का पेज, तो ये सारे पेजेस बनते हैं, इसको फिर मल्टीपल पेजेस कहा जाता है। तो जब आप अपनी ही वेबसाइट के पेजेस पर नेविगेट होना चाहेंगे तो फिर आप ये एब्सोल्यूट यूआरएल नहीं पास करेंगे, ये आपका एब्सोल्यूट यूआरएल है, तो फिर होता है रिलेटिव यूआरएल। आप सिर्फ और सिर्फ उस फाइल का नेम, जिस तरह इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने बनाई, उस तरह ही लॉगिन डॉट एच टी एम एल हम बनाएंगे, उसी तरह हम रजिस्टर डॉट एच टी एम एल बनाएंगे, अबाउट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, तो सिर्फ और सिर्फ फाइल नेम लिखेंगे एच आर एफ में तो वो उस पेज पर नेविगेट हो जाया करेगा। तो बाकी बस ये थोड़ा बहुत इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ले लें, मज़ीद जो है वो आपका चैप्टर नंबर टू जब आएगा तो उसमें ये आपका एंकर टैग और ये आपके लिंक्स कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी क्लियर है जी, वो कल होगी आपके पास ना, मींस के नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का मंडे को ही होगा तो उस टाइम आपको मिलेगी जी। बाकी आप लोगों को आज असाइनमेंट मिलेगी इंशाल्लाह, उस असाइनमेंट को आप लोगों ने कंप्लीट करना है और सबमिट भी करवाना है जी। वो भी बता देंगे आप लोगों को, तरीका बता दिया जाएगा कि वेबसाइट को डिप्लॉय किस तरह किया जाता है, ठीक हो गया। तो मींस के आप लोगों को इंशाल्लाह वो फर्स्ट वीक में ही डिप्लॉयमेंट का भी कंप्लीट हो जाएगा कि आप लोग अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय किस तरह करते हैं। तो डिप्लॉय करने के बाद आप लोगों को यूआरएल मिल जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, लेट सपोज मैं एक स्टूडेंट की असाइनमेंट दिखा देता हूँ, ये उन्होंने असाइनमेंट बताई थी आज तो मुझे याद है, तो ये असाइनमेंट जिस तरह ये उन्होंने बनाई है, ठीक है, आप अबाउट पेज पर जा सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट पेज पर जा सकते हैं, आप प्रोजेक्ट पेज पर जा सकते हैं। तो ये असाइनमेंट उन्होंने मुझे यूआरएल सेंड कर दिया था, आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, ठीक हो गया जी, उसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ यूआरएल मुझे सेंड कर दिया करेंगे, मेरे तक असाइनमेंट पहुँच जाएगी, उसको देख लिया जाएगा और फिर आप लोगों को फीडबैक दिया जाएगा कि ठीक है या नहीं ठीक है, कहाँ पर गलती है, तो फिर आप लोग उसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। जी क्लियर है, ओके जी। हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ऑल द एचटीएमएल एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज,
ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन लाइन एलिमेंट्स हैं। ऐसे एलिमेंट्स से अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट इज एन एलिमेंट डेट स्टार्ट अ न्यू लाइन एंड यूज द फुल विथ ऑफ द पेज और कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल एच वन पी एंड डिप, डिप से होती है डिवीजन। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट कैन टेक अप वन लाइन और मल्टीपल लाइन्स एंड हैज़ अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। द डिप एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एलिमेंट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें छोड़ दें और टॉप पर आपके पास एच वन ए लिखा हमने और साथ ही आप एच वन लिखें बी लिख दें, ठीक है। आप लोग एंकर टैग एच रेफ में ए बी सी डॉट एच टी एम एल लिख दें, बेशक इसको ए करें और इसको पेस्ट करके यहाँ पर आप लोग बी कर दें, सेव करें। अच्छा अब यहाँ पे देखें एच वन में भी हमने सिर्फ ए लिया है और इस एंकर टैग में भी सिर्फ ए लिया है, इस एच वन में सिर्फ बी एलिमेंट लिया है और इस एंकर टैग में भी सिर्फ बी एलिमेंट लिया है। सेव करें और वेब पेज पे देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, आपका एंकर टैग सॉरी ए एल टेक्स्ट और ये आपका बी टेक्स्ट। हेडिंग कंटेंट कम हो या जितना मर्जी ज़्यादा हो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो स्क्रीन की 100% विड्थ लेते हैं। मैं आपको बॉर्डर के साथ समझा देता हूँ, आप लोग स्टाइल H1 तो ये देखिए कंटेंट इसमें भी इतना ही है और इस एंकर टैग में भी इतना ही है, लेकिन ये विथ 100% ले रहा है, तो ये आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट हुआ। H1 या हेडिंग्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। आपका पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन आपका एंकर टैग ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ सिर्फ उतनी ही विथ लेते हैं जितना उसके अंदर कंटेंट होता है या जितनी उनको विथ चाहिए होती है, जितनी स्पेसिंग चाहिए होती है वो सिर्फ और सिर्फ उतनी विथ लेते हैं, तो वो आपके इन लाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इन लाइन एलिमेंट्स के साथ अगर आप इन लाइन एलिमेंट लिखें तो वो उस लाइन में ही आते हैं बजाय इसके कि नेक्स्ट लाइन में आए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इन लाइन एलिमेंट्स में, कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा 100% विथ लेते हैं स्क्रीन की, और अगर कंटेंट ना भी मौजूद हो तो फिर भी वो 100% विथ लेंगे। और इन लाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी विथ उतनी ही लेंगे जितना उसमें कंटेंट की ज़रूरत हो। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आप लोग इन लाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे बी एलिमेंट जो है आपका बी एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखा था, यू एलिमेंट आई एलिमेंट बी एलिमेंट, और पी एलिमेंट आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आप लोग इन लाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन लाइन एलिमेंट के अंदर आप लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप लोगों का लेआउट ख़राब हो जाएगा। जी क्लियर है? ओके जी। ऑल्टरनेटली रेफर टू एज इन लाइन, इन लाइन इज एनी एलिमेंट दैट डिस्प्लेज इन अ लाइन, कि वो एक लाइन में ही आपको नज़र आते हैं। एनी इन लाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विथ विज एज नेसेसरी, दिस स्पैन एलिमेंट इज एन इन लाइन एलिमेंट। तो इसका इसकी अगर आप आउटपुट देखें कि पी आई लव माई कंट्री, तो ये आपके पास स्पैन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक एलिमेंट है स्पैन वो भी इन लाइन एलिमेंट है। तो स्पैन को अगर आप बॉर्डर देता हो या उसकी विथ जो है वो सिर्फ इतनी ही होगी, लेकिन अगर आप पी एलिमेंट देखें तो पी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है, इस जगह तक आपका पूरा वो आ जाता है। उसके बाद आपके पास सिमेंटिक एलिमेंट्स है व्हेन बिल्डिंग वेब पेजेस, बस ये लास्ट टॉपिक है आपका सिमेंटिक एलिमेंट्स। अच्छा आप लोग
मैं एक और पेज बना के दिखाता हूँ, अबाउट डॉट एच टी एम एल। इस आइकन पर क्लिक करने से आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, और फर्स्ट लाइन में आपके पास डॉक टाइप, सेकंड आपके पास HTML के अंदर हेड, हेड के अंदर टाइटल, और आप लोग लिखते हैं अबाउट, और हेड के बाद आपके पास बॉडी, बॉडी के अंदर आपके पास। अच्छा, हम सेक्शंस को डिवाइड करते हैं, जिस तरह हमने टॉप पर देखा था कि वेब पेज का स्ट्रक्चर, हर वेब पेज में, मोस्टली वेब पेज में इस तरह का ही स्ट्रक्चर होता है। ये आपका हेडर, मेन, और ये आपका फुटर। तो हेडर, मेन और फुटर के कंटेंट को डिवाइड किया जाता है, इनके सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करते कैसे हैं? अब हमने एक डिव एलिमेंट सुना है कि डिव एलिमेंट से डिवीजन होती है। आप लोग H1 से हेडिंग्स, P से पैराग्राफ, डिव से डिवीजन आपकी। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, अक्सर डेवलपर्स डिव, ID, हेडर। अब ID क्या है? एक एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू हेडर। तो मीन्स कि ये डिव एलिमेंट जो है ये हेडर है आपका। उसके बाद एक और डिव लेते हैं सेक्शन को डिवाइड करने के लिए, इसको आप ID दे देते हैं मेन, कि आपका मेन कंटेंट होगा। और एक और डिव एलिमेंट लेते हैं, उसको ID दे देते हैं फुटर। तो इससे क्या होता है कि फुटर का कंटेंट अब इसके अंदर आएगा। तो आपके पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो यहाँ पर आपके पास, वेन बिल्डिंग वेब पेजेस वी यूज कम्बिनेशन ऑफ नॉन सिमेंटिक HTML एंड सिमेंटिक HTML। दी वर्ड सिमेंटिक मीन्स रिलेटिंग टू मीनिंग, कि सिमेंटिक का मतलब है कि उसके रिलेट ही वो चीज़ है। सो सिमेंटिक एलिमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट बिटवीन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। आपने अपनी वेबसाइट में कोई हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ डिव यूज़ करते हैं, ठीक हो गया? तो डिव का मतलब सिर्फ सेक्शंस को डिवाइड करना है, ना कि हेडर बनाना, मेन बनाना, फुटर बनाना। बना सकते हैं, लेकिन HTML5 ने क्या किया है, जो डेवलपर पहले इस तरह काम करते थे, अब उसने हेडर एलिमेंट, मेन एलिमेंट और फुटर एलिमेंट ही हमें दे दिया। मीन्स के हेडर अगर आप लोगों ने बनाना है तो हेडर एलिमेंट, मेन एलिमेंट बनाना है तो मेन एलिमेंट, और अगर आपने फुटर एलिमेंट बनाना है तो फुटर एलिमेंट। तो ये आपके सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। आपको खुद भी पता लग रहा है, गूगल को भी पता लग रहा है, दूसरे डेवलपर्स को भी पता लग रहा है कि आपकी वेबसाइट में हेडर भी है, मेन भी है और फुटर भी है। तो कुछ डेवलपर्स इस तरह लिखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल और बेस्ट वे ये है कि आप इस तरह लिखें। तो अब आप इस चीज़ को ख़त्म कर दें, इस चीज़ को भी ख़त्म कर दें, और इस चीज़ को भी ख़त्म कर दें, तो हेडर, मेन और फुटर आपका सिर्फ ये रह जाता है। तो बाई यूजिंग सिमेंटिक HTML वी सिलेक्ट HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर मीनिंग, नॉट ऑन हाउ दे आर प्रेजेंटेड। एलिमेंट्स सच एज डिव एंड स्पैन आर नॉट सिमेंटिक एलिमेंट्स सिंस दे प्रोवाइड नो कॉन्टेक्स्ट एज टू वट इज इनसाइड ऑफ दोज टैग्स। कि डिव के अंदर कुछ भी आ सकता है, स्पैन के अंदर कुछ भी आ सकता है, लेकिन हेडर एलिमेंट जो है सिर्फ हेडर, और आपका मेन जो है वो सिर्फ मेन, फुटर जो है सिर्फ फुटर। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ डिव एलिमेंट टू कंटेन आवर हेडर इंफॉर्मेशन, वी कुड यूज़ अ हेडर एलिमेंट विच इज़ यूज एज अ हेडिंग सेक्शन। बाई यूजिंग अ हेडर टैग इंस्टेड ऑफ अ डिव वी प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एज टू वट इंफॉर्मेशन इन साइड ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए? एक्सेसिबिलिटी, SEO अच्छी हो जाती है। सिमेंटिक HTML मेक्स वेब पेजेस एक्सेसिबल फॉर मोबाइल डिवाइसेज एंड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एज वेल। दिस इज बिकॉज स्क्रीन रीडर्स एंड ब्राउजर आर एबल टू इंटरप्रेट द कोड बेटर। मीन्स के अक्सर होते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तो देख सकते हैं, लेकिन कोई हमारी वेबसाइट पर आता है और वो देख नहीं सकता है, तो वो सुनेगा बस। तो
तो सुनेगा तो उसको पता होगा कि यहाँ पर हेडर है, ये इसका मेन कंटेंट है और ये उसका फुटर है। और अगर सिर्फ डिब हो तो उसने यही बताना है कि ये भी डिब है, ये भी डिब है, और फुटर का जो सेक्शन है वो भी एक डिब ही है बस। तो उसे नहीं इतना पता लगना, तो इसलिए हम सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा SEO बहुत अच्छी होती है, अगर आपकी वेबसाइट की SEO आपको चाहिए अच्छी चाहिए कि लोग आपकी वेबसाइट को इजीली सर्च कर सकें, तो फिर आप लोग सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। उसके अलावा इजी टू अंडरस्टैंड, सिमेंटिक HTML आल्सो मेक्स द वेबसाइट्स सोर्स कोड ईजियर टू रीड फॉर अनदर वेब डेवलपर्स। मीन्स कि आप लोग कोड जो लिखते हैं वो दूसरों के लिए भी आसान हो जाता है समझना भी और पढ़ना भी, कि यहाँ पर हेडर का कंटेंट है, यहाँ पर मेन का कंटेंट और ये फुटर का कंटेंट है। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस यू कैन थिंक ऑफ कंपेयरिंग नॉन सिमेंटिक HTML टू गोइंग इनटू अ स्टोर। बेटर अंडरस्टैंड के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप लोग एक स्टोर में जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी मार्ट में जाते हैं, और वहाँ पे कोई साइन बोर्ड्स नहीं होते हैं कि इस रो में आपको कौन सी चीज़ें मिलेंगी, नेक्स्ट रो में जाएंगे तो उस रो में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। तो सेम ऐसे ही नॉन सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स हैं। अगर उसी मार्ट में आपको साइन बोर्ड्स मिल जाएँ कि ये जनरल स्टोर यहाँ पर है, मीन्स कि यहाँ पर आपको जनरल की चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको किराने की चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको गारमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको शूज़ मिल जाएंगे, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो मैनी वेबसाइट्स कंटेन HTML कोड लाइक div ID इक्वल टू हेडर, div ID इक्वल टू नैव, div ID इक्वल टू मेन, div ID इक्वल टू फुटर टू इंडिकेट हेडर नेविगेशन मेन कंटेंट एंड फुटर। तो इन HTML5 देर आर सम न्यू सेमेंटिक एलिमेंट्स दैट कैन बी यूज टू डिफाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज, आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, क्विक कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेव, सेक्शन समरी एंड टाइम। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी थ्योरी वाली, और यही आपकी HTML की बेस है। इसको आप लोग पढ़ें, ये आप लोगों को सेंड भी कर दी जाएगी, इसे पढ़ें आप लोग, जिस चीज़ की समझ न लगे पूछ लें। ग्रुप का भी आपको कहा गया, ग्रुप भी आपके पास है, जो SW के स्टूडेंट्स हैं वो नुमान भाई आप लोगों के पास होंगे, आप लोग उनसे समझें सीखें, जिस चीज़ की समझ नहीं लगे उनसे पूछ लें, उन्हें भी समझ ना आए तो आप लोग मेरे से पूछ लें, मोस्ट वेलकम। तो बेसिकली ये आपका HTML, और कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, ठीक है जी। नुमान भाई असाइनमेंट जो है ना आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी। जी ऑल राइट जी, मेरे पास जिनका नंबर आया था मैंने कर लिया, बाकियों का मैं देख लेता हूँ। बाकी जो हजरात हैं, जिस तरह मेरे ख्याल अब्दुल बारी साहेब आपका नहीं आया था जी, शहजादो नंबर ना लिखें यहाँ पर आप लोग अपना। तो बेसिकली स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है और अपलोड भी होगी, तो इस चीज़ से बचें। बाकी आप लोगों का जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आप लोगों को मैंने अपना दिया है, अदरवाइज़ वेबसाइट है umairahmed.net, यहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएंगी, आप इसको देख लीजिएगा। तो जी ये यूट्यूब पर ही होता है।